हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू डिजी टेल्स एपिसोड 11 सीजन 2। आज मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ FIA साइबर क्राइम सिन इमरान रियाज साहब। इमरान रियाज इज अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल क्योंकि ये पुलिस सर्विस से निकल के आए हैं। एज एन SSP इन्होंने काफी पोजीशंस में सर्व किया है थ्रू आउट पाकिस्तान, लेकिन दैट्स नॉट व्हाई ही इज यूनिक फॉर दिस पोजीशन। Actually, he is a graduate of the Ghulam Isaak Khan Institute of Science and Technology with an engineering background, and he worked for Motorola in Saudi Arabia as an RF planning lead manager before joining the civil service. So, बड़े मुश्किल से हमें लोग मिलते हैं technology background के साथ, GIK की degree के साथ, और ऐसे लोग जब cyber crime में join करते हैं, FIA को join करते हैं, तो we have very high hopes and expectations. How are you doing, Imran, today? All good. How are you? बस ऑल गुड। आजकल तो साइबर क्राइम इज अ वेरी हॉट टॉपिक। मुझे ये बताएं कि साइबर क्राइम जो है FIA के एम्बिट में है क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, आप लोग क्या देखते हैं और किस तरह इसको आप व्यू करते हैं एज अ क्राइम? देखें जी, साइबर क्राइम इज एवरी क्राइम व्हिच इज हैपनिंग इन द साइबर स्पेस। जहां भी डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्वड है आपकी, लेट्स सपोज के व्हाट्सएप के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है, या कहीं पे हैकिंग इन्वॉल्वड है, कहीं पे फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व्ड है थ्रू साइबर स्पेस, थ्रू इंटरनेट, थ्रू डाटा कम्युनिकेशन, हरासमेंट इन्वॉल्व्ड है, डेफेमेशन इन्वॉल्व्ड है, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो साइबर क्राइम के जमरे में आती हैं। तो ये डाटा की आप बात कर रहे हैं, तो डाटा में इंटरनेट भी आ जाता है, इसमें SMS भी आ जाता है, इसमें फोन भी आ जाता है, इसमें ईमेल भी आ जाता है, ये तमाम चीजें हैं। तमाम चीजें, तो जो भी एप्लीकेशंस या जो भी चीजें डेटा के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं इंटरनेट स्पेस के ऊपर, दे कम इनटू द एम्बिट ऑफ साइबर क्राइम। खैर आजकल फैक्स तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर फैक्स होता तो वो भी शामिल होता है इसमें। इसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन वो भी शामिल हो सकता था। तो मुझे ये बताएं कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी क्यों रिस्पॉन्सिबल है साइबर क्राइम के लिए, क्यों पुलिस का एम्बिट क्यों नहीं है इसमें, या इसमें NAB का क्यों रोल नहीं है? देखें जी, दिस वॉज अ डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स रेगुलेशन जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स को पाकिस्तान के अंदर, और दिस एक्ट वाज इनएक्टेड इन 2016 बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरल गवर्नमेंट। तो उसके तहत दिया गया था अख्तियार FIA को साइबर क्राइम को डील करने का। सो दिस वाज नॉट एन इनिशिएटिव फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, तो इसलिए उन्होंने FIA के हवाले किया एंड नॉट द रेगुलर पुलिस। तो इसका ये मतलब है कि चूंकि ये फेडरल क्राइम है तो इसकी जो सजा है, इसका प्रोसेस है, हर प्रोविंस में एक जैसा रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही। जो वजह से प्रोविंस में पुलिस की हैंडलिंग डिफरेंट होती है, वो इसमें मामला इस तरह से नहीं है। एग्रीड, ऐसा ही है जी। आजकल हॉट क्या चल रहा है साइबर क्राइम में? हम तो हर चीज सुन चुके हैं, बल्कि मेरे पास तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि लोग जो है एक दोस्त की मदर की ATM को स्वैप करके पैसे निकाल के ले गए, फादर से बैंक को कोई CNIC मांगना शुरू कर गए, फिर जब उनको क्वेरी की गई तो फोन यू नो हैंग अप कर दिया उन्होंने। आजकल क्या चल रहा है, क्या बैंकिंग रिलेटेड ज्यादा हॉट चल रहा है या हरासमेंट चल रहा है? हम वुमेन्स हरासमेंट का बड़ा सुनते हैं कि व्हाट्सएप पे लोग तंग करते हैं, फेसबुक इंस्टा पे लोग तंग करते हैं, आपकी नजर में क्या आजकल चल रहा है? जी, जो स्टैट्स अभी हमारे पास हैं लाइक 2021 के, इसके मुताबिक बल्कि इवन लास्ट ईयर के भी, the highest crime which is being happening through cyberspace is financial fraud, either by banking fraud, phishing emails, it is cyber crime, financial fraud jo ki zyada tar ho raha hai. Uske baad jo Nigerian prince paise mangte hai, wo wala scene hai. Bilkul sara ka sara wo phishing emails. Ab ye Pakistani princes paise mang rahe hain? Actually what is happening, isko Nigerian hi piche se chala rahe hain. Acha, they have people over here और ये इस तरह की ईमेल्स जनरेट करते हैं, वहीं से ही करते हैं, नाइजीरिया से, क्यूबा से, डिफरेंट अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज। अच्छा, और वो पूरा इनको लीड कर रहे होते हैं कि जी लाइक आपके इतने पैसे निकल आए हैं, अगर आप हमें 10 लाख रुपया देंगे तो आपके $50 million मिलेंगे आपको, वी नीड सो मच मनी फॉर जस्ट लीगल प्रोसेस टू बी हैंडल्ड एंड यू हैव वन $50 million एंड यू विल गेट इट आफ्टर ऑल दिस लीगल प्रोसेस। सो दिस इज बेसिकली हैपनिंग फ्रॉम देयर। लेकिन ये स्कैम तो इतना पुराना है कि अभी भी लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें विक्टिमाइज हो रहे हैं। I believe के इसमें lack of awareness है among the masses,
ठीक है, और इस पे हम बात करेंगे शो के बाद आखिर में कि हम अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट। सही, तो फाइनेंशियल क्राइम में सबसे ज्यादा और ये इंटरनेशनल रिंग्स हैं जो ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। नॉट जस्ट इंटरनेशनल रिंग, इट्स हैपनिंग लोकली एज वेल। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। राइट, इंटरनेशनली भी है। लाइक एक आध बंदा जो है वो लाइक बाहर से ऑपरेट कर रहा होगा, बाकी उसके सब लोग यहाँ पे होंगे। At times they travel over here and just give them all the directions ke kaise isko handle karna hai, and then they go back. At times they live over here. Lahore mein ek case tha, Faisalabad mein ek case tha, isi tarah Nigerian fraud tha, and usme Nigerian khatoon ko bhi arrest kiya gaya. She was over here at the time. Sahi. And so isme jo hai, iske alawa ek hum bada regularly sunte hain ki women's harassment bhi bahut chalti hai. That's a big issue in cybercrime as well. थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे कि how does that work? किन चीजों में हमें या ख्वातीन को ख्याल करना चाहिए कि उनके साथ ये फिर they can avoid it, या वो किस तरह से report करें इसको? देखें, harassment जो है इस वक्त सिर्फ it's not women harassment. Harassment ख्वातीन की भी हो रही है, हजरात की भी हो रही है, बच्चों की भी हो रही है। अब हरासमेंट के आगे दो सेगमेंट्स आते हैं जो कि एक डेफिमेशन के थ्रू खाली है, लाइक वर्बली किसी को हरास करना या उसकी पिक्चर्स को कहीं डाल देना उसकी परमिशन के बगैर, ठीक है, उसको डिफेम करने के लिए। और सेकंड इसका एस्पेक्ट जो आता है वो है इट कम्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ पीका एक्ट। तो उसमें यह है कि आप किसी के मॉडेस्टी को अगर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि जी अगर आप किसी की गैर अखलाकी तस्वीर, क्यूट पिक्चर्स या न्यूड वीडियोस वो बिला इजाजत उसके कहीं ट्रांसमिट करते हैं, तो दैट इज अ ह्यूज क्राइम, ठीक है, और उस पर FIA फौरी एक्शन लेता है। सेकंड इसमें एस्पेक्ट जो आता है हरासमेंट के हवाले से, मैं सेक्शन 21 की बात कर रहा हूँ, इसमें इवन अगर आप किसी की पिक्चर उसका फेस लेके किसी दूसरे की न्यूड बॉडी पे सुपर इम्पोज करते हैं जस्ट टू पोज के जी फलां बंदे की न्यूड पिक्चर है, so this is a crime as well with the same impact. अच्छा, it's actually a crime, यानी कि इसकी सजा भी मौजूद है। इसकी सजा भी मौजूद है। और इसके अलावा इसमें जो third part आता है section 21 के अंदर, that is about कि जी अगर आप किसी की cyber grooming करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बच्चे की, what is cyber grooming basically? कि we have got online gangs, online personal like that, what they do is कि जी वो होते बड़ी उम्र के लोग हैं, लेकिन वो बच्चों को सेक्सुअली ग्रूम कर रहे होते हैं। दे पोज देमसेल्फ एज के दे आर किड्स आर टीन्स, बट एक्चुअली दे आर एडल्ट्स। उनकी जो प्रोफाइल्स होती हैं वो शो कर रही होती हैं कि जी वो टीन है, बट एक्चुअली दे आर एडल्ट्स। तो बड़ी सारी कम्युनिकेशन डिजिटल चल रही होती है, सब डिजिटल चल रही होती है, ठीक है। पिक्चर भी किसी बच्चे की लगाई होगी तो वो उसको सेक्सुअली इंटाइस कर रहे होंगे, उसको सेक्सुअली ग्रूम कर रहे होंगे। सो इफ समबडी इज डूइंग दैट, so this is also a crime, and this comes under section 21, which is the most dangerous section of the PICA act, jisme hum log fauri action lete hain, aur uske baad once the case is registered court pe trial chalta hai, aur usme jo hai like saza jo hai they are huge. Agar kisi adult ka koi is tarah ka pictures nude superimpose karta hai ya usko transmit karta hai to us case mein ye 5 saal ki saza hai with 10 1 million of fine. और अगर ये अच्छा 1 million fine and 5 years अगर आपने किसी की picture manipulate की या transmit की जो manipulated है, दोनों cases. Yes. So it is 5 years of imprisonment or 1 million fine or both. Or both. So it all. अच्छा, यानी कि जिसने अगर किसी ने forward receive किया हो किसी का और कहा हो कि देखो यार ये किसी का super imposed picture है और आगे उसने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया तो वो भी फाइन है, वो और उसका भी सजा है 5 साल। यस, एंड इवन यू कांट डिस्प्ले द न्यूड्स ऑफ एनीबॉडी टू एनीबॉडी। ये तो इस पे तो बिल्कुल लैक ऑफ अवेयरनेस है, मैं तो लोगों को आई डोंट थिंक अंदाजा भी है कि इस पे जो है 5 साल की कैद है। जी, एंड आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल इन दिस सिटी हु आर एजुकेटेड बट दे डोंट हैव द अवेयरनेस। वो आते कहते हैं अच्छा ये भी क्राइम है, इवन यू कांट, आपकी एक्स वाइफ हैं, आप इवन उनकी न्यूड्स जो हैं वो किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बस लोग कहते हैं वो तो जी हमारी वाइफ थी, वी हैड इन रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन उसमें भी उस केस के अंदर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर यही सेम क्राइम आप किसी बच्चे के हवाले से करते हैं, माइनर किसी के हवाले से करते हैं,
So then it becomes, you know, 7 years of imprisonment or $5 million of fine. अच्छा, यानी कि अगर ये बच्चा हो इसमें शामिल और विक्टिम हो, बच्चा अगर विक्टिम हो तो फाइन बढ़ जाता है और सजा भी बढ़ जाती है, जाहिर है बढ़ना चाहिए, बल्कि 7 साल तो मुझे तो कम लग रही है, 70 साल 700 साल भी कम है. And if the culprit is habitual offender, in that case it becomes 10 years and $5 million of fine. वाह, अच्छा, तो यानी कि इसकी पूरी एक मैप्ड आउट है कि इसकी कितनी सजा है, लेकिन हम क्यों नहीं देखते कि लोग कन्विक्ट हो रहे हैं इस मामला में, हम तो सिर्फ सुनते हैं कि ये केसेस हैं, लोग पकड़े गए, कन्विक्शंस की तरफ तो कुछ आता नहीं है. जी अच्छा, कन्विक्शंस जो हैं, यू नो, सिंस इट वाज अ न्यू फील्ड, तो जजेस को भी इसको अंडरस्टैंड करने में कुछ टाइम लगा, जारी बात है, यू नो, इट वाज अ डिफरेंट स्पेस, जजेस आर नॉट टेक्निकल पीपल, उनको पूरा समझाना पड़ा बैठ के हमारे ऑफिसर्स को, जी इस तरीके से पूरा ये क्राइम हुआ है, इसका टेक्निकल एनालिसिस ये है, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट ये आई है. तो नेचुरली जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो लोगों को उसको सीखने में, उसको समझने में टाइम लगता है. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. और सेकेंडली, मेरा पर्सनल फोकस इस पे बहुत रहा कन्विक्शंस के ऊपर. आई विल जस्ट कंपेयर यू द स्टैट्स के इफेक्टिवली स्पीकिंग जो है, FIA साइबर क्राइम इज वर्किंग सिंस 2018. यू नो, का एक्ट आया, अच्छा, अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं इसको, ये तो बिल्कुल ही बहुत नई फील्ड है. इट इज ओल्ड, बट पीका एक्ट के बाद चीजों को एस्टैब्लिश करने में, यानी कि मेन जो रोल, लोगों को अवेयरनेस आई कि जी हमने यहाँ पे आना है, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है. तो 2018 के बाद जो है ये काम बड़ा हमारा बहुत, उससे पहले भी है लेकिन इट वॉज अ वेरी स्मॉल नेचर, वेरी मीगर नेचर. लेकिन अभी जो है, लाइक पीपल नो अस and they come to us and we have got thousands of complaints every year. तो उसमें ये है कि शुरू में चूंकि ये थोड़ा सा gap था, तो I will just compare the stats of conviction. पिछले कोई 2.5 साल में सिर्फ 11 convictions हुई थी across the Sindh. कितने साल में? 2.5 साल में only 11 convictions all across Sindh. तो यानी कि तकरीबन 28 years आप कह रहे हैं. Sorry? No, two and a half years. ये 7 में से 4 convictions कराची में हुई हैं और 3 convictions जो हैं वो हैदराबाद में हुई हैं, and we are working on the convictions in Sakhar as well. और मज़ीद भी अभी next month के अंदर भी हमें मज़ीद convictions के हैं, और हम इन convictions को glorify भी कर रहे हैं, हम मीडिया को बता भी रहे हैं to just aware the people कि जी साइबर क्राइम में सिर्फ ये नहीं है कि जी आपकी FIR कट गई है, people are getting punishments as well, ताकि लोग इस क्राइम से बच सकें. अब इसमें आप अगर देखें, देखिए, अब हमारा काम ही डिजिटल का है, एज अ डिजिटल एजेंसी ओनर, तो वन थिंग आई रियलाइज के द स्पीड विथ विच योर रेप्यूटेशन कैन बी डैमेज्ड बाय डिजिटल मीडियम्स इज अनप्रेसिडेंटेड. ऐसी स्पीड से कभी आपको, मतलब इस स्पीड से फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन इस स्पीड से कभी पहले नहीं फैली है. आप 1 सेकंड में पूरी दुनिया को आगाह कर सकते हैं कि यार ये कुछ हुआ है. Agreed. क्या ये स्पीड, इस स्पीड को मद्देनजर रखते हुए, क्या हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है साइबर क्राइम का, क्या इसको अलग नहीं होना चाहिए? इसकी क्रिमिनल कोर्ट्स भी अलग होनी चाहिए और उनकी कन्विक्शन की स्पीड भी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह इंफॉर्मेशन की मूवमेंट है डिजिटल मीडियम्स में. टोटली एग्रीड ऑन दैट. देखें, जिस तरह हम लोग एज साइबर क्राइम यूनिट आहिस्ता से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपकी कोर्ट्स भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही हैं, एवोल्यूशन हो रही है. इनिशली क्या था कि हमारे पास लाइक सेम कोर्ट्स थी, अभी उन्होंने क्या किया है, लाइक ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, दे हैव यू नो वन सिंगल डे फॉर अस, ठीक है, उस दिन सिर्फ हमारे केसेस चलते हैं. लाइक ईस्ट की कोर्ट है, वहाँ पे पूरा दिन हमारे लिए होता है, एंड देयर इज वन स्पेसिफाइड जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दैट कोर्ट व्हिच जस्ट डील्स विद आवर केसेस.
पूरा आपको मिलता है साइबर क्राइम को पूरा मिलता है सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, लेकिन वो भी फिर भी कम है। मतलब आप जिस तरह देखें कितने सेलफोन यूजर्स, आपको पता है देयर ओवर 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ से ज्यादा डेटा यूजर्स है पाकिस्तान में। आप सोचिए कितने साइबर क्राइम्स रोजाना चल रहे हैं, एक दिन से तो कुछ नहीं होगा, एग्रीड मैजिस्ट्रेट से तो कुछ नहीं होगा, तो इस पे वर्किंग हो रही है। देखें मजीद जो कोर्ट्स जो हैं, सेपरेट कोर्ट्स जो हैं वो इसके लिए प्रपोज्ड हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वेल अवेयर ऑफ दैट कि कितना प्रेशर अभी आने वाला है, तो उसके लिहाज से मजीद कोर्ट्स की बातचीत चल रही है। तो होपफुली सो, यू नो, आप देखें इवन जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं वहां पे इतना प्रेशर होता है कि वहां भी केसेस को कई कई साल लग जाते हैं। तो आई डू एग्री ऑन दैट कि जी वी हैव जस्ट वन डे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें कि कन्विक्शंस अब तेजी से हो रही हैं। मे बी रेगुलर कोर्ट्स जो हैं दे मे टेक 10 इयर्स 20 इयर्स एट टाइम्स, यू नो, इवन लैंड डिस्प्यूट्स। तो हमारे केस में फिर भी हम इसको पुश कर रहे हैं और जल्दी हो रहा है। तो अगर कोई इसको रिपोर्ट करना चाहे, कोई विक्टिम हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइम का हो या हरासमेंट का हो, इसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये प्रोसेस पे अभी फिलहाल कोई अवेयरनेस है सच नहीं है किसी को, आई डोंट थिंक अंदाजा है कि किसको फोन करें, कोई हेल्पलाइन है, कोई वेबसाइट है, कहाँ पे रिपोर्ट करें, क्या इसका प्रोसेस, क्या थाने जाएं, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इन योर प्रोविंस और इन पाकिस्तान? देखें जी, पूरे पाकिस्तान में साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के 4 तरीके हैं। यू कैन अप्रोच अस थ्रू 4 डिफरेंट मीन्स। आप हमारी वेबसाइट है fia.gov.pk, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वहाँ पे फिल्टरिंग होती है बाकायदा इस्लामाबाद में, और फिर वो रेलिवेंट जोन को भेज दिया जाता है। सेकेंडली, दे कैन अप्रोच अस थ्रू वन ऑफ द ईमेल्स विच इज़ हेल्प डेस्क एट द रेट ऑफ nr3c.gov.pk. Thirdly, they can call us on 1991. And the fourthly, they can come to our offices, our cybercrime reporting centers. They can walk in and register a complaint at the complaint registration cell. We have got 15 cybercrime reporting centers from Gilgit to Gwadar. So in centers mein log aaye aur hame report kare cases ko. Or obviously the easiest way, the most speedy way to approach us is to walk in. जिसमें आप फौरी तौर पे आएंगे, आपसे बातचीत होगी। और how does the process happen? आप एक complaint लेके हमारे पास आते हैं, तो जो हमारा complaint center है वहाँ पे जो verification officer बैठा होता है उसको पहले verify करता है, is this a genuine complaint? Is he a genuine person who is coming with the complaint? और फिर वो उस complaint के इंग्रेडिएंट्स को देखता है और जो उस कंप्लेंट के साथ एविडेंसेस अटैच किए होते हैं उसको देखता है। इट इज नॉट मेरली कि जी आपने कह दिया कि जी मुझे फलां बंदे ने ये किया, ऐसा नहीं है। आपको साथ एविडेंसेस अटैच करने होंगे, उसको पूरा ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी और वेरीफाई होगी। अगर इसमें आई जस्ट वांट टू पॉज यू वन सेकंड, आप कह रहे हैं कि 3 मेथड्स आपने जो बताए थे, एक तो सबसे पहले आप वेबसाइट, 4 मेथड, 3 डिजिटल हैं, 1 इन पर्सन है। Yes. जो डिजिटल मेथड्स हैं उसमें आपकी वेबसाइट पे आप रिपोर्ट करें, या आप विया ईमेल रिपोर्ट करें, या आप विया फोन रिपोर्ट करें। Yes. अच्छा, इन 3 मेथड्स में, जो डिजिटल मेथड्स में, आपको डेटा साथ में शेयर करना पड़ता है? नहीं, उस केस में क्या होता है कि जस्ट कंप्लेंट आप रजिस्टर करते हैं एंड ए मैसेज इज सेंड टू अस फ्रॉम द कंप्लेंट सेंटर, और फिर आपकी तरफ से कोई फोन करता है इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यस, देन वी कॉल द पर्सन, द कंप्लेनेंट, to verify the complaint and bring us the evidences. लेकिन ये जो कॉल आती है, मैं let's say वेबसाइट पे गया, मैंने रजिस्टर किया, तो मुझे कितनी देर में ये कॉल आ जाएगी? 5-10 मिनट में आएगी या 5-10 दिन में आएगी? नहीं, usually it takes time. I'm working on that to bring it faster. ठीक है, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद में सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो वहां पे इसमें तो आपके पास तो thousands of you know inbounds आते होंगे रोजाना, तो इसको सिफ्ट करना, इसमें से फिक्टिशियस भी होंगे, बहुत सारे जेन्युइन भी होंगे, फिर उनको टैकल करना है, तो या आप इसको स्ट्रीमलाइन करना, तो क्योंकि 3 मेथड्स आपके डिजिटल हैं, 1 इन पर्सन है, और 15 लोकेशंस हैं। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, 15 लोकेशंस तो कम है साइबर क्राइम के लिए। तो अगर हम डिजिटल को ही फोकस करें, हाउ डू यू सी टेक्नोलॉजी प्लेइंग अ रोल इन मेकिंग श्योर कि अगर मैंने रजिस्टर अभी किया है तो विद इन 5 मिनट्स मेरे पास एक कॉल आ जाए कि जी आपने रजिस्टर किया, तो थोड़ा सा ज्यादा बताएं इसके बारे में। हाउ कैन टेक्नोलॉजी प्ले दैट रोल एंड व्हाट इज एफआईए डूइंग टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी? जब भी कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है, चाहे वो ऑनलाइन आए या वॉक इन हो,
तो रूल्स के लिहाज से हमारे वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास 15 दिन होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। 15 दिन का टाइम रखने की वजह क्या है कि सपोज एक हमें ऑनलाइन कोई ईमेल आती है या ऑनलाइन कंप्लेंट कोई हमारे पास आती है और हम कंप्लेनेंट से राब्ता करते हैं टू गिव अस द एविडेंस एंड द कंप्लेनेंट इज नॉट एबल टू कम द सेम डे और नेक्स्ट डे, ही इज आउट ऑफ द सिटी, वो नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो हमने इसलिए 15 दिन का टाइम रखा हुआ है ताकि कंप्लेनेंट जो है अपने ग्रेविटी ऑफ इशू के हवाले से देखते हुए जब भी आ सके वो आ सके। अगर कोई किसी का हरेसमेंट का इशू है तो डेफिनेटली वो फौरी आएगा, उसको फौरी एक्शन करना होगा। बट इफ समबडी इज हैविंग सम पेटी इशू, कोई हैकिंग का कोई इशू है या किसी का कोई लाइक कंप्लेंट ऑनलाइन ई पोर्टल के हवाले से है, ऑनलाइन ई कॉमर्स के हवाले से है, तो डेफिनेटली ही कैन बाय टाइम इन दैट। ठीक है, हमने टाइम इसलिए रखा हुआ है कि ये तो 15 दिन लीगल कवर का एक बेसिकली है कि ये ना हो कि अगर वो लेट आए तो उसका जो वो राइट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 दिन जरूरी लेंगे, आप नहीं कम टाइम लेंगे, वो लोगों पे डिपेंड है। इज टू गिव द पीपल देयर लीगल कवर। ठीक है, ठीक है, मुझे एक बात बताएं, डू यू सी साइबर क्राइम बिकमिंग अ बिगर इशू इन पाकिस्तान देन स्ट्रीट क्राइम? यस, टोटली एग्रीड विद दैट। एंड इज द FIA प्रिपेयर्ड टू टैकल दैट? Honestly speaking, we are not prepared right now, but we are doing fast things. We have got, you know, policy making on this level that, you know, the government is very well aware of that, honestly speaking. And they're working fast on that to having, you know, such policies which can, you know, even stop this crime, for the prevention of this crime, such kind of things, you know. So what are some of the steps are being taken right now, today as we speak, to catch the FIA up to where it needs to be to prevent cybercrime? Aajkal aap kya kis pe focus kar rahe hain? So dekhen ji, first of all, jo personal initiative maine jo liya hai, wo hum awareness campaign ek launch karne ja rahe hain. Jab main is position pe aaya, to within 15 days of my posting, maine notice kiya ki ji, inflow of work is too much as compared to outflow. You know, lack of resources and different issues. To मैंने कहा कि चैलेंज ये है कि लोगों को अवेयर करना। आई मेट माय कंप्लेनेंट्स, आई मेट माय क्लाइंट्स, तो मुझे इनसे बात करके लगा कि जी उनको पता ही नहीं है कि साइबर एक्ट भी कुछ है, साइबर लॉ भी कुछ है, साइबर क्राइम। आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस ऑफ द लॉ, अवेयरनेस ऑफ द लॉ एज वेल एज व्हाट पनिशमेंट्स आर पीपल गेटिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स आर हैपनिंग। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप कह रहे हैं ऑन द क्राइम साइड कि क्राइम्स क्या है, उसकी पेनल्टीज क्या है, व्हाट अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स, उस पर भी आप अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं? जो आपने बात की कि 3 डिजिटल मेथड्स हैं, एक इन पर्सन मेथड है रिपोर्ट करने का, अभी हम करने का जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ई बुकलेट डिजाइन कर रहे हैं, इट इज इन द प्रोसेस, इट विल टेक मेबी 1 मंथ और सो। उस ई बुकलेट में हम हर तरह के साइबर क्राइम को पिक्टोरिकली, ग्राफिकली पूरा प्रोसेस, 1 पेजर एक क्राइम का होगा। ठीक है, ठीक है, हम उस ई बुकलेट को फ्लोट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी ईमेल लिस्ट के अंदर, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट कर सकें। और सेकेंडली हम क्या करेंगे कि अभी आई हैव अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। अब तमाम स्कूल्स में कंप्यूटर लेक्चर्स होते हैं, तो आई विल इन्फोर्स अपॉन देम कि जी एटलीस्ट क्लास 8 ऑनवर्ड्स बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर लेक्चर में साइबर लॉस की अवेयरनेस दी जाए, उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया जाए और जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं साइबर क्राइम के, उनके हवाले से अवेयरनेस दी जाए। तो उस ई बुकलेट में से हम जो है वो फर्दर आगे उनको सिखाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस ई बुकलेट को सिंधी जुबान में भी लेके आएंगे एंड आई विल टॉक टू CM साहब एज वेल, आई विल मीट हिम और हम उनसे बात करेंगे कि जी किसी तरीके से इसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी लेके आया जाए। ये बड़ा इसमें आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, जो स्कूलिंग के अंदर एजुकेशन सिस्टम में अवेयरनेस लाना, क्योंकि देखिए आप अगर देखें आजकल के बच्चे, स्पेशली कोविड के दौरान सभी बच्चे घर पे ही थे और घर पे बैठ के सारा दिन डिवाइसेस पे थे, ठीक है, कोई आईपैड, कोई फोन, और डिवाइसेस पे बैठ के अक्सर पता नहीं होता है कि कौन इनसे इंटरेक्ट कर रहा है और किस तरह से इंटरेक्ट करे। जो आपने बात की फेक प्रोफाइल्स बना के बातें करना, अगर बच्चों को आगाही नहीं दी जाएगी
तो उनको मालूम कैसे होगा कि उनके साथ कैसा क्या हो रहा है? देखिए, ये तो एस्पेक्ट हम ले रहे हैं ना, ये तो अवेयरनेस कैंपेन स्टेप हमारी तरफ से है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का रोल भी इसमें बहुत ज्यादा आता है। पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनली स्पीकिंग जितने भी आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे डोंट रिकमेंड कि बच्चे जो हैं वो 13 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह की साइबर स्पेस से इंटरेक्ट करें, यानी कि वो आईपैड पे ही ना जाए और इंटरनेट पे ही ना जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आईपैड पे चले जाएं बट दे डोंट नीड टू स्पेंड टाइम ऑन इंटरनेट, यू नो, ऑन साइबर स्पेस, यहां पे कम्युनिकेशन हो सके किसी और के साथ, किसी और के साथ, ठीक है। और सेकेंडली जो है, जहां भी आप आपका बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है साइबर स्पेस के साथ, सपोज और वो कोई नई ऐप डाउनलोड कर रहा है या किसी नई वेबसाइट पे जा रहा है, पेरेंट्स नीड टू हैव चेक ऑन दैट एज वेल। और जो भी वो ऐप यूज करने जा रहा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी है, तो पहले बच्चों को उस पर गाइड करना है कि जी इस पर आपने कैसे बिहेव करना है, बोथ वेज, यानी कि आपने किसी को डिफेम नहीं करना, आपने किसी को बुली नहीं करना, और इस तरह जो रिसीवर एंड के ऊपर बच्चे हैं उनको भी आपने बताना है कि जी आपने किस तरीके से बचना है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है। जो कंट्रोल्स हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, लाइक यू नो प्राइवेट अकाउंट्स आप कर सकते हैं, ब्लॉकिंग कैसे करनी है, या आपने जो कमेंट्स हो रहे हैं, कमेंट्स लोग कर रहे हैं, उनको कैसे ऑफ करना है, या अगर कोई आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है आपने कैसे बिहेव करना है उसके साथ, आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो यू कैन योरसेल्फ बी ए कल्प्रिट एज वेल। अच्छा, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे आप खुद कल्प्रिट बन सकते हैं। देखिए, एट टाइम्स इट हैपेंस ना कि जी आपको कोई इंस्टिगेट करता है और आप रिएक्ट करते हैं, बन जाते हैं रिएक्ट करने के बाद, वो उसने एक आपको गाली निकाली, उसने आपकी एक पिक्चर पोस्ट की, आपने अगर 10 पिक्चर पोस्ट कर दी, ठीक है, तो लाइक बेहतर है कि रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, इसको फॉरन रिपोर्ट करना, दिस इज रिकमेंडेड, ठीक है। और यू शुड रिपोर्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज, और यू शुड टेल योर एल्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टेल योर एल्डर्स, योर ट्रस्टेड वंस, के जी इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, फौरी बात करें। देखें, आपको बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल डेवलप करना चाहिए साइबर स्पेस के अंदर कि बच्चा आपसे फौरी बात करे। देखिए, हमारे यहाँ यू नो यूजली वी हैव गॉट सोशल टैबूज, पेरेंट्स बच्चों से सेक्सुअल इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। करेक्ट, वी शुड कट दीज सोशल टैबूज, वी शुड गेट अवे विद दीज सोशल टैबूज, बच्चों से बात करें, क्योंकि ये साइबर स्पेस ऐसी स्पेस है जहां पे यू नेवर नो, यू आर जस्ट प्लेइंग ए गेम एंड सच काइंड ऑफ थिंग अपीयर्स इन द गेम। तो लिटरली बच्चों को बजाय कि वो डिस्ट्रैक्ट हो इस चीज से और किसी गलत तरफ चले जाएं, कोई क्राइम उनसे हो जाए, बेहतर है कि आप उनको बताएं कि जी अगर इस तरह की चीज कोई होती है, कोई आपसे साइबर ग्रूमिंग करने की कोशिश कर रहा है या किसी और तरीके से आपको एल्योर करने की कोशिश कर रहा है, एंटाइस करने की कोशिश कर रहा है, तो डू टेल योर ट्रस्टेड वंस, डू टेल योर पेरेंट्स, डू टेल योर फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें एक और चीज है ना, एक और ट्रेंड जो हम देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट्स, इंस्टा अकाउंट्स हैक होते हैं, जो हैक होने के बाद आपके कोई रिश्तेदार ही हैक हो सकता है और उसी पेज से, उसी आइडेंटिटी से कोई और आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दे। The child might think it is a relative, it is a family friend that is talking to them. तो शायद वो रिपोर्ट ना करें डर में, क्योंकि फेसबुक हैकिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। और आपको पता है कि फेसबुक बॉट फार्म्स बने हुए हैं, हैक्ड फार्म्स बने हुए हैं, दैट आर यूज्ड टू कमेंट, लाइक एंड शेयर ऑन डिफरेंट पेजेस। तो व्हेन दैट हैपेंस, आपकी जो बात है टैबू की, आई थिंक द चिल्ड्रन नीड टू रिकॉग्नाइज कि स्ट्रेंजर्स तो एक तरफ, एग्रीड, लेकिन इवन प्रोफाइल्स विद अदर चिल्ड्रन एंड इवन प्रोफाइल्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर वो अजीब तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, दे मस्ट रिपोर्ट। टोटली एग्रीड। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य अभी कोट करूंगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसकी बेटी है लाइक 10 इयर्स की, तो उसने मुझे कहा कि जी इस तरीके से मैंने अपना एक इंस्टा का अकाउंट बनाया है, नॉट इंस्टा, स्नैपचैट, और अपनी वो ड्राइंग्स और पेंटिंग्स वहां पे, वो लाइक शी इज ऑफ 10 इयर्स, तो वो वहां पर उसने पोस्ट की, तो शी सजेस्टेड मी कि जी आप उसको देखें। जब मैं स्नैपचैट यूज नहीं करता हूँ, तो जब मैंने उसको देखा, उस पर गया, तो लाइक शी हैड वेरी गुड ड्राइंग्स, बट वंस आई स्क्रॉल्ड डाउन तो वहां पे काफी एडल्ट कंटेंट भी था स्नैपचैट के ऊपर, जो लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। सो देन आई रैंक अप माय फ्रेंड के, बी प्लीज बी केयरफुल, यू शुड आई मीन नोटिस के व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, व्हाट ऐप योर चाइल्ड इज यूजिंग, एंड गाइड हर आई हिम थ्रू दैट। एब्सोल्युटली। व्हाट्स द मोस्ट अनयूजुअल केस यू हैव सीन इन योर 3 मंथ्स हियर?
many of those, perhaps I would not like to comment on some because they're under investigation. One thing I can quote one of the cases in Hyderabad. One of the female ASPs is working over there, and किसी ने उसका fake account बना लिया और उसपे वो jobs offer लोगों को कर रहा था, ठीक है? तो जब हमने उसको track किया और उस बंदे तक पहुंचे तो he was very systemized. उस बच्चे ने क्या किया कि जी लोगों को jobs offer की, ठीक है? और बकायदा उसने लोगों से ऑनलाइन क्विज लिया, ऑनलाइन टेस्ट लिया, उसका ऑनलाइन रिजल्ट जनरेट किया, देन ही मेड द फेक नोटिफिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. रियली? यस. यानी कि एएसपी बनके सारा इसने क्विज करके नोटिफिकेशन भी निकाल दिए. हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड? 16 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, ठीक है? 16 इयर्स ओल्ड ये कर रहा है. यस, एंड ही वाज लिविंग इन अ टाउन ऑफ बदीन, ही वाज नॉट इन कराची, ठीक है? और उसने बकायदा लोगों को कन्विंस किया कि जी ये एक सीक्रेट फोर्स रेज की जा रही है, जहां पे 3 साल के लिए जो है आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी, यू हैव टू वर्क सीक्रेटली फॉर दिस, यू नो, जस्ट लाइक ऑन द लाइंस ऑफ एजेंसीज. अनबिलीवेबल. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये बताएं, जो आपने बच्चे की बात की, इसने एक फेक एएसपी, मतलब एक पुलिस ऑफिसर की फेक प्रोफाइल बनाई फेसबुक पे. यस. फेक प्रोफाइल बनाना भी क्राइम है? इज दैट, कैन दैट, इज दैट पनिशेबल? नो. यस, इट इज पनिशेबल एज वेल. And court can give 3 years of imprisonment along with 3 years of imprisonment to make a fake profile. Yes. किसी को पता ही नहीं था. Yes. Unbelievable. अच्छा, एक सवाल आया था. हमारा एक चीज हमारी रास्ते में रह गई जब हम वेलनेस कैंपेन के हवाले से बात कर रहे थे. Right. तो वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा. एक और चीज जो हम करने जा रहे हैं वो मैस अवेयरनेस कैंपेन जो है, उसमें व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जी हम इस तरह के तमाम क्राइम्स की एनिमेशंस बनाएंगे, लाइक 1 मिनट लॉन्ग एनिमेशन, जिसमें पूरे क्राइम को बताया जाएगा किस तरीके से क्राइम हो रहा है और उसके आखिर में उसकी पनिशमेंट भी बताएंगे. तो वो हम इस तरह की एनिमेशंस को डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम इसको प्रोपेगेट करेंगे. जो लोग यू नो टिकटॉकर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से इस तरह की वीडियोज को हम जो है प्रोपेगेट करेंगे, ताकि मैक्सिमम लेवल पे थ्रू आउट पाकिस्तान लोग इससे अवेयर हो सके. देखें, अक्सर अवेयरनेस कैंपेन्स चलती है न्यूज चैनल्स के ऊपर भी, ठीक है? लेकिन उसका इम्पैक्ट इसलिए कम पड़ता है कि जो मोस्टली व्यूअर है वो अडल्ट है, जिसको पॉलिटिकल कोई नॉलेज है, जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई है. जो साइबर स्पेस में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह के क्राइम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो इंटरेक्शन मोस्टली हो रहा है, जो उनकी एक्सेस मोस्टली है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है. सो इस तरह अगर हम स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, जो कि यू नो प्राइवेट सेक्टर इज हेल्पिंग मी आउट इन दैट, वी डोंट हैव एनी स्पेशल फंड्स फॉर दिस, तो हम इनके थ्रू जो है एक अगर एनिमेशन को अपलोड करते हैं 25-30 सेलिब्रिटी के अकाउंट से, तो इन दैट वे वी कैन हिट यू नो मे बी 40-50 मिलियन पीपल वेरी इजीली. दैट्स अ वेरी गुड मास कैंपेन आइडिया. अब इसमें बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन देयर आर कपल ऑफ केसेस आई वांट टू टच ऑन विद यू, क्योंकि ये बड़े हॉट टॉपिक्स रहते हैं. सबसे पहला तो ये है कि आप आजकल देखें तो ये स्पूफिंग का, एक नंबर स्पूफिंग का बड़ा स्कैम चल रहा है. थोड़ा सा इसके बारे में हमें आगाह करेंगे. देखें जी, जो आजकल मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, वो दैट इज हैपनिंग थ्रू स्पूफ नंबर्स. होता क्या है, स्पूफ नंबर्स क्या मतलब, थोड़ा ये क्लियर करें. स्पूफ नंबर्स आर बेसिकली नंबर्स व्हिच आर सॉफ्ट नंबर्स. डिफरेंट स्पूफिंग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप वहां जाके एक क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको एक सॉफ्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है? यानी कि वो नंबर मेरे नंबर को मास्क कर देगा. बिल्कुल ऐसा ही है, वो नंबर आपके नंबर पे मास्क हो जाएगा. तो वंस यू विल कॉल फ्रॉम योर नंबर, तो दैट पर्टिकुलर नंबर विल अपीयर टू द रिसीवर. ठीक है, ठीक है. तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज के जी एक बैंक है, उसका कैसे कहते हैं, जो उसका हेल्पलाइन नंबर जो होता है, वो नंबर से लोग कॉल करते हैं, उस नंबर को स्पूफ करते हैं, ठीक है? तो दैट नंबर अपीयर्स एज लाइक यू नो 00002111. अच्छा, उससे बिल्कुल मिलता जुलता होगा, एक नंबर आगे पीछे हो जाएगा, तो आप समझेंगे किसी बैंक का है या किसी ऑफिशियल का है. तो लोग समझते हैं कि जी वही बैंक से कॉल आ रही है, प्लस 00 करके उसमें ऐड कर देते हैं वो लोग, ठीक है? राइट, राइट. तो जब वो आगे से लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें जी, हम तो बैंक से कॉल कर रहे हैं, हबीब बैंक का नंबर यही है, या
स्टैंडर्ड चार्टर्ड का नंबर तो यही है हेल्पलाइन, और फिर आपका वो सीएनआईसी मांगेंगे, कहेंगे एटीएम में कुछ खराबी थी, जो भी था, फिर वो वहां से लेके चले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये है कि जी आपका जो बैंक है कभी आपको हेल्पलाइन से कॉल नहीं करता है, ठीक है, और लैंडलाइन से कॉल करेगा, लैंडलाइन से कॉल करेगा, ठीक है। और सेकेंडली जो है, जब भी आप इस तरह का मिलता जुलता नंबर देखें तो कभी उसको रिस्पॉन्ड ना करें, क्या ये रिपोर्ट कर देना चाहिए नंबर को? ये नंबर रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, ऑफिस में जाके रिपोर्ट करना चाहिए, ऑनलाइन रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये बैंकिंग के अपने सिस्टम भी हैं, आप बैंक्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, यू कैन रिपोर्ट टू अस एज वेल, ठीक है, ठीक है। पूरा जो बैंक्स, हर बैंक का अपना एक फाइनेंशियल फ्रॉड मैनेजमेंट यूनिट होता है, ठीक है, वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं इन नंबर्स को, और फिर वो आगे हमें फर्दर वो लिस्ट की सूरत में भेजते हैं ताकि आप उस पर एक्शन कर सकें और उस पर वर्किंग कर सकें कि हु इज द पर्सन बिहाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी इस तरह की जो स्पूफ्ड कॉल्स, इनको अटेंड नहीं करना। अगर आपने अटेंड कर भी ली है किसी केस के अंदर भी, कहीं से भी आपको कॉल कोई आती है और आपसे कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, तो आपको कतन नहीं देनी है, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट क्यों ना हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ओटीपी। अच्छा, इसमें लोग थोड़ा सा धमकाते भी हैं कभी कभार, बैंक के तौर पे बन के आएंगे, कभी कभार कोई आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस के तौर पे बन के आएंगे कि देखिए हम यहाँ से फोन कर रहे हैं, आप अपना हमें डेटा दें वरना आपके घर आ जाएंगे, या थोड़ा सा वो स्केयर टैक्टिक्स जो होते हैं। बिल्कुल, तो इसको टैकल करने का क्या तरीका है कि आप आ जाएं और मुझसे इंडिविजुअली मिलके आप डेटा ले लें, क्या मतलब, व्हाट शुड दे से अगर फोन उठा लिया उन्होंने? उठा लिया तो बस आप इनकी बातों में नहीं आना है, सिंपली आपने कहना है कि जी अगर आप कोई रियल पर्सन हैं तो कॉन्टेक्ट थ्रू योर ऑफिस, ठीक है, या यू कैन टेल अस व्हिच ऑफिस हैज हैव वी हैव टू कम, ठीक है, ठीक है, तो हम आ जाते हैं आपके पास, आपके हम आपके पास आ जाते हैं, आप किस यूनिट से बात कर रहे हैं आर्मी की, ठीक है, आप एफआई के किस ऑफिस से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किस एफबीआर के ऑफिस से बात कर रहे हैं, और आप फिर उसी ऑफिस पे जाएं, कोई आप किसी अननोन जगह पे जाके ना मिले उनसे, आप एक्चुअली एक रजिस्टर्ड ऑफिस, चाहे एफआईए का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एफबीआर का हो, वहां जाए। और इवन एक और चीज के, अगर आपको इस तरह के कोई नंबर से कॉल आती है, ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो चेक बैक द नंबर्स कि भी कहां से कॉल आई है। अगर सपोज आपको कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है, सपोज कोई एआरवाई डिजिटल से कॉल कर रहा है कि जी आपको हम जॉब के लिए रखना चाह रहे हैं, ठीक है, जॉब स्कैम्स भी होते हैं, तो आपको करना क्या है कि जी यू हैव टू गेट एक्सेस टू द ऑफिशियल नंबर ऑफ एआरवाई, आप उनसे बात करें कि जी क्या आपने मुझे इस नंबर पे कॉल क्यों की है जॉब के हवाले से, जॉब तो ऑफर मुझे किया आपने, सो यू ऑलवेज हैव टू गेट बैक। अच्छा, यानी कि आप उनसे दोबारा कॉल बैक करें, आप पहले बल्कि ऑनलाइन चेक करें, यू कैन, हां, यू कैन गो टू वेबसाइट, वहां से चेक करें कि इनका नंबर क्या है, देन कॉल बैक, ठीक है ना। आपने टीवी चैनल का जिक्र किया, टीवी चैनल का एक और इशू है, वहां के उनको उनके गेम शोज होते हैं, कोई जीतो पाकिस्तान चल रहा है या कोई और गेम शो चल रहा है, या किसी चैनल के नाम से कोई फोन करके कहता है कि आपको जीत गए या आपको इस शो के अंदर हम इंक्लूड करना चाहते हैं, और फिर एक स्कैम होता है कि उसकी कोई पेमेंट है, कॉस्ट है, जो भी है, ये भी साइबर क्राइम में शामिल है, इसको कैसे टैकल करें? बिल्कुल जी, ये भी साइबर क्राइम है, और इनको हम जर्नलाइज जो इसको टर्म यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड पोंजी स्कीम्स, ठीक है, डिफरेंट चैनल्स के नाम से होती हैं, और दे आर ऑल फेक स्कीम्स। ऐसी कोई स्कीम जो है अगर कोई चैनल कर रहा होगा तो लाजमी बात है वो अपने चैनल पे उसको पहले एडवर्टाइज करेगा। ये जो फाइनेंशियल क्राइम जो इतना बड़ा हुआ है, जब भी हम इसके पीछे जाते हैं, वी ट्राई टू कैच द क्रिमिनल्स, जो हमें डिफिकल्टीज आती हैं वो आती हैं बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलीगल सिम्स इशूड बाय द फ्रेंचाइजेस just to meet their targets. Illegal SIMs kis tarah issue hoti hain? I thought SIMs have to be issued on a CNIC. These SIMs are issued legally for me and you, but many people in this city and all across Pakistan are getting illegal SIMs. So how does, you know, it happens? Nidhi, what is an illegal SIM? Define an illegal SIM. I will just explain. Hota kya hai ki ji apne targets ko achieve karne ke liye franchises jo डिफरेंट ऑपरेटर्स की, ठीक है, इसमें ऑपरेटर का कसूर नहीं है, इसमें कसूर फ्रेंचाइजेस का है, जस्ट टू सेल मोर सिम्स एंड टू गेट मोर सेल्स, टू गेट मोर रेवेन्यू। क्या करते हैं लोग के गांव देहातों में जाते हैं और उनको जाके उनके पास बीवीएस डिवाइसेस होती हैं जिसपे थंब इंप्रेशन लगाते हैं, उनको जाके किसी बूढ़ी अम्मा को, किसी बूढ़े बाबा जी को जाके वो ऑफर करेंगे, जी आपके लिए हम घी के चार डब्बे लेके आए हैं तो आपको सब फ्री सिम मिलेगी, चार डब्बे घी के दिए और थंब इंप्रेशन लगवा लिया, राइट, और वो एक सिम उसके नाम पे इशू हो गई, ठीक है।
वो नहीं नहीं अभी थंब प्रेशर सही लगा नहीं है, आप ये वाली उंगली भी लगा के देखें, जरा मिडिल फिंगर लगा के देखें। तो इस तरह करके वो चार पांच सिमें इकट्ठी इशू करा लेते हैं, एक शख्स की पांच उंगलियों के पांच सिम्स जी, और वो सिम्स उनको पता भी नहीं होता उनके नाम पे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उस एक आदमी के नाम पे या एक औरत के नाम पे जिसको पता भी नहीं है, पांच सिमें इशू हो जाती हैं, जिसको फिर इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर अवेयरनेस कैंपेन। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये सिम्स इशू हो रही हैं, तो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियलाइज दिस। यस, तो ये स्पूफिंग का यहां से कांसेप्ट आ रहा है। स्पूफिंग इज डिफरेंट, इलीगल सिम्स आर डिफरेंट। इलीगल सिम्स आर डिफरेंट, ठीक है। स्पूफिंग इज टू हैव सॉफ्ट नंबर ऑन योर नंबर, and ye illegal sim is a hard number, it's a real number, aur koi bhi use kar sakta hai isko illegal, isko criminals use kar rahe hain, aur jitni bhi ponzi schemes aapki hain wahan pe use kar rahe hain, to jo game shows wali cheeze hain ye probably illegal sim se chal rahi hain, bilkul aisa hi, theek hai। aur phishing emails bhi hoti hain isi tarah se, wo bhi yahi data nikal rahe hote hain। phishing emails jo hain wo kya hai basically, phishing is basically ke ji sender sends you an email with an identical email of certain सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कॉरियर कंपनी है, उसका ईमेल एड्रेस है tcsexpress.com, ठीक है, ठीक है, tcsexpress@therateofsomethinglike.com, ठीक है। तो व्हाट द फिशिंग डज इज के जी वो उसको tcss एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो अपेरेंटली दैट लुक्स द सेम ईमेल एज द ओरिजिनल वन। हम जल्दी में होते हैं, अच्छा ठीक है यहां से ईमेल आई है, ओके ठीक है लेट्स डू इट। मैं आपको बड़ा इसमें एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। अभी एक डॉक्टर साहब थी, उन्होंने लंदन से कुछ इक्विपमेंट कराची में डिलीवर करवाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो अब स्पूफर्स एंड फिशिंग नेटवर्क गॉट टू नो के जी, अब लेट्स सपोज कि जी वहां पे कस्टम्स में डिलीवरी जब हुई तो इनसे रब्ता किया गया फिशिंग ईमेल के थ्रू एक कोरियर सर्विस की तरफ से कि जी आपका पैकेज फलां फलां इस तरह पहुंचा है एयरपोर्ट के ऊपर, तो इसमें कस्टम की ड्यूटी है एंड यू हैव टू पे सच एंड सच ड्यूटी, तो ताकि आपका वो पैकेज जो क्लियर कराया जा सके। तो सिंस उन्होंने ऑर्डर किया था तो उन्होंने वो 2,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए उनके अकाउंट के अंदर। अच्छा, कस्टम्स ड्यूटी के मद में उन्होंने फेक किया जी, फिर अच्छा अकाउंट नंबर भी दे दिया कि आप यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि कोरियर इज टिपिकली कलेक्टिंग एनी ड्यूटीज दैट कम इन। यस, अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि वंस दे न्यू के जी यहां से पैसे तो आ गए हैं, दिस इज एन इजी फिश टू टारगेट, तो उन्होंने कहा कि जी जब कस्टम्स ने इस आपके पैकेज को स्कैन किया तो वी फाउंड लाइक $50,000 इन दैट। अब ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, तो ये तो बड़ा आपके लिए इशू हो जाएगा, तो यू शुड पे फाइन टू कस्टम्स फॉर दैट, ताकि आपकी जान छूट जाए इस तरीके से। तो अब जारी बात है वो खातून ने फिर 4,00,000 रुपये और भेज दिए इस चक्कर में। ओह माय गॉडनेस, ठीक है। अब उसके बाद then they again emailed on some other pretext, then she got an idea that this is something you know scam happening with me, ठीक है, we got hold of the people, ठीक है, पैसे recover हो गए, हाँ पैसे भी recover हो गए, यानी कि थोड़े से recover हुए, तो यानी अच्छी खासी amount recover हो गई। तो उसमें ये है कि आपको हमेशा you should be very watchful कि आपको जो ईमेल आ रही है वो कहाँ से आ रही है, उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, खास तौर पे ऐसी ईमेल्स जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो या जहाँ पे कोई लीगल आपके डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो, कोई आपसे मांग रहा है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आती है, फेसबुक की मुझे एक दफा मिली थी, मैं समझा फेसबुक से ही आई है आस्किंग फॉर यू नो आई थिंक रीऑथेंटिफिकेशन ऑफ माई पासवर्ड। मैंने देखा कि उसका जो एड्रेस था वो इज फेसबुक पर 2Ks। Yes, you know, yeah. तो वो minor change था, you know, so, हम तो खैर इस काम में, I'm just quoting an example. It can be any organization, it can be any service provider. So you have to look very minutely कि जी email कहाँ से आया। अच्छा, अभी एक WhatsApp कभी चला था, बड़ा scam चला था कि आपको कोई random person message करता है कि I have forgotten पता नहीं क्या pin, और ये मेरे साथ भी हुआ था कि WhatsApp पे मुझे a contact who I had not spoken to in a while sends me a message saying कि यार there is a verification code sent, please copy it and send it back to me. तो वो मैंने copy करके भेज दिया and my WhatsApp was hacked for 24 hours. और चूंकि वो मेरा hack हो गया, फिर उसके बाद मेरे contacts का हुआ. और ये cycle चलता रहा है for the last 6, 8, 12 months. मतलब different people have been hacked at different times in WhatsApp.
इसका कुछ आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या मतलब लोगों की प्रोफाइल्स को ये 24 घंटे के लिए ओन करके, व्हाट आर दे डूइंग विद दैट? देखें, इसमें भी ये लोग इसको प्रोफाइल्स को हैक करके क्राइम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल इन दैट एज वेल। किसी को भी अपना जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसी भी आपके प्लेटफॉर्म का है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, वो किसी को ना दें आप, ठीक है? तो कुछ देर के लिए, 24 आवर्स के लिए आपके पास, जब आपका वो हैक कर लेते हैं अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, तो लाइक दे कैन डू एनी क्रिमिनल एक्टिविटी ऑन दैट, ठीक है? और सेकेंडली, किसी भी तरह का कोई अननोन लिंक आता है किसी अननोन सेंडर की तरफ से, कोई फोटोग्राफ आती है, कोई वीडियो आती है, तो उसपे क्या होता है कि यूजली हैकिंग लिंक्स अटैच्ड होते हैं जो कि उसमें हिडन होते हैं। फेसबुक एंड व्हाट्सएप दे हैव इम्प्रूव्ड देयर प्राइवेसीज, दे हैव इम्प्रूव्ड देयर सिक्योरिटीज, तो एट टाइम्स दे आर विजिबल, बट चेंजिंग पैटर्न्स क्राइम किस तरह है, तो किसी भी तरह की लाइक इस तरह के अननोन मैसेंजर से कुछ चीज आती है, अननोन सेंडर से कुछ चीज आती है, तो प्लीज डोंट क्लिक ऑन दैट। उससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है, और उस केस में आपके फोन का या आपके लैपटॉप का या आपके आईपैड का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके किसी और के पास चला जाता है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है केस कि अगर आपके किसी जानने वाला का सिस्टम ऑलरेडी हैक हो चुका है और उनकी तरफ से कोई लिंक आता है और आप क्लिक करते हैं, तो फिर आप यू फॉल विक्टिम टू दैट। यस यस, फिर उस केस में फिर आप हमारे पास आएंगे, फिर उस केस को हम ट्रेस करेंगे, इट मे टेक लॉन्गर बट दीज आर द। इसमें जो मेरा जो टेक अवे है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपको इस तरह से कॉल करे फॉर एग्जाम्पल या ईमेल भेजे, कॉल पे ज्यादा प्रेशर आता है कि कोई बंदा बैठा हुआ है आपको प्रेशर दे सकता है, चले बैंक नहीं तो वो किसी इदारे के खुफिया इदारे के तौर पे बन के कह सकता है कि हम आपके पास आ जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि यू मस्ट नॉट गिव योर डेटा, यू मस्ट टेल दिस इज वन ऑफ पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन। कोई भी अदारा इस तरीके से कॉल नहीं करता है आपको, मतलब नहीं करेगा इस तरह से कॉल, नहीं करेगा, FIA नहीं करेगा, ISI नहीं करेगा, IB नहीं करेगा, NAB नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा ही पुलिस नहीं करेगा। प्रॉपर एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी जो भी होगी, अगर आपको FBR का नोटिस भी आता है तो दैट इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। एक फोन उठा के कहेगा कि जी आपके रिटर्न्स अभी तक जमा नहीं हुए हैं या आपने अभी तक टैक्स पे नहीं किया है तो डरा धमका के आपसे टैक्स ले रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक दिस इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग समझ लें, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना ऑब्वियसली इन इदारों के नाम सुन के लोग परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि भाई उनसे इंटरेक्शन ना ही हो तो बेहतर है, तो जो मांग रहे हैं फोन पे दे दो ताकि किसी से मिलना ना पड़े। आई थिंक ये पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट है, आई थिंक इस पे अवेयरनेस जितनी भी करें तो कम है ताकि लोगों को समझ आए। अब ये मुझे फाइनल मैं एक सवाल करूंगा आपसे, अभी लेट्स से केसेस हमने इतने सारे डिस्कस किए, आपने पकड़ भी लिए लोग, कन्विक्ट भी हो गए, केसेस वेयर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, टेल मी अबाउट दोस, शुड देयर बी अ कॉम्प्रोमाइज इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब दिस इज अ साइबर क्राइम, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? देखें, बास चीजें हमारे पास इस सेंसिटिविटी की आती हैं, मिसाल के तौर पे लाइक एक खातून है, उनकी कोई लाजेबा वीडियोस हैं, वो लीक हो गई हैं और उनके घर वालों को नहीं पता है कि लाइक शी वाज इन रिलेशनशिप, ठीक है? और उस केस में बास का जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं तो योर ऑनर एंड डिग्निटी इज एट स्टेक, ठीक है? या यू आर सम इम्पॉर्टेंट पर्सन एट सम इम्पॉर्टेंट पोजिशन, ठीक है, सम हाई प्रोफाइल पर्सन, ठीक है, तो वो किसी इस तरह के क्राइम के जमरे में आ गया है एंड ही आर शी नीड्स टू कंसील हिज आर हर आइडेंटिटी, ठीक है? तो उस केस में वी हैव टू बी लाइक कंसिडरेट टूवर्ड्स देम, ठीक है? और फिर वो खुद ही उसको मतलब कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेके जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारी आइडेंटिटी को शो ना किया जाए क्योंकि वो है पब्लिक फिगर, तो हमारा फिर पूरा नाम बदनाम हो जाए, क्योंकि वंस डू द FIR तो उसके बाद एवरीथिंग इज इन पब्लिक, राइट? ठीक है, कोर्ट में जाएंगे, वहां पे लॉयर्स हैं, एक ओपन कम्युनिकेशन होगा, ट्रायल होगा, ठीक है, आर्गुमेंट्स होंगे, तो उस तरह के केसेस में, या कोई माइनर है, देखिए बेसिक पर्पस हमारा हर तरफ होता है कि आइडेंटिटी को कंसील करना, हम आइडेंटिटी को शो नहीं, यानी कि आप विक्टिम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसमें और कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्रीड, ठीक है। और दूसरा उसमें पॉइंट ये भी है कि लाइक इवन फाइनेंशियल क्राइम्स अगर भी होते हैं उसमें भी, या डेफेमेशन है, कुछ ऐसा होता है, तो लोग इसको इसलिए भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि जी इट विल कंज्यूम देयर टाइम इफ दे आर फॉलोइंग अ पेटी इशू,
कि कोर्ट जाना पड़ेगा, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, केस में आर्गुमेंट्स होंगे, फॉलो अप कोर्ट में, यू नो, और फिर कोर्ट की भी चीजें पब्लिक होती हैं, अननेसेसरली न्यूज़ बनती है उसकी, मेक्स सेंस। बट वी इनकरेज पीपल यूजुअली कि जी आप जो हैं वो लीगल एक्शन लें, हमारा इनकरेजमेंट यही होता है, लेकिन वी हैव टू हियर द साइड ऑफ द कंप्लेनेंट एज वेल कि उसकी मजबूरी क्या है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑनेस्टली, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि दीज आर थिंग्स वी आर ऑल डीलिंग विद एवरी डे, और अ लॉट ऑफ अस जबकि हमें मालूम भी होता है वी फॉल विक्टिम टू दिस, और फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमें मालूम भी था और फिर भी हमारे साथ हो गया, और इस तरह के क्राइम में जो है मतलब इंसान बिल्कुल ही हेल्पलेस फील करता है। और चूंकि टेक्नोलॉजी की प्रेवलेंस इतनी आ गई है, इतने सारे मोबाइल डेटा यूजर्स मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली क्राइम भी बढ़ेगा। एंड आई थिंक इट्स गुड टू सी कि FIA के अंदर आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, आपका टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, ठीक है। आई थिंक द डिफरेंस यू कैन मेक गोइंग फॉरवर्ड इज समथिंग दैट कैन रियली चेंज द लाइव्स ऑफ पाकिस्तानीज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस इनिशिएटिव, एंड प्लीज फील फ्री टू यूज आवर प्लेटफॉर्म फॉर द अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फॉर व्हाटएवर इट इज यू नीड। आई वुड लव टू हैव यू ऑन अगेन टू टॉक अबाउट साइबर क्राइम एंड हाउ अवेयरनेस कैन बी स्प्रेड, बट ऑल द बेस्ट टू यू एंड द FIA विद दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच इमरान रियाज फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू। Thank you everyone for staying tuned today, episode 11. Hope you enjoyed the discussion on cybercrime. We'll see you next time. Bye-bye.